जी सूर्या जी आए हैं क्या हाल है सूर्या जी आपका हेलो हेलो आवाज है। आवाज आपकी आ रही है मतलब बहुत हल्की आ आ रही रही है Hello, है हेलो आवाज अब बेहतर है सूर्या जी जी क्या कहना चाहेंगे आप बस मुझे कुछ कहना था आपसे जी बोलिए मैंने थोड़ा सर्च किया था जी तो आप, आप बता रही थी कि यहाँ पर हाँ मुझे पता है इंडिया में बहुत गलत काम होते हैं जी आई एक्सेप्ट मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ गलत के साथ काफी प्रॉब्लम है जी बट लेकिन मैंने जब सर्च किया हम्म उसमें मुझे वेबसाइट की बहुत सी तीन चार साल पांच साल दस साल की जो बच्चियां है, तो हैं उनकी मूवी मुझे होती है, होती है। यहाँ पर होती है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इन लोगों ने आ, जो ग्रो आप हो ना जो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी में चीजें आती हैं तो उस पर पकड़ा भी गया है इन पे काम भी होता है मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ नहीं होता है मगर यहाँ पर ये सुनने में नहीं आता कि एक बच्ची का जो है यानी यहाँ पे पहले आता था केसेस पास्टर्स के साथ मगर मैं जब से यहाँ रह रही हूँ मुझे बहुत कम ऐसी केसेस हैं जो न्यूज में देखे हैं आते होते होंगे हम ना सिंह कि नहीं होते मगर मैं आपको एक औरत होने के नाते सलातीन भी वेस्ट में रहती है मैं भी वेस्ट में रहती हूँ मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो मगर एक औरत होने के नाते ना हम आपको बता सकते हैं कि हम हम औरतें यहाँ सेफ ज्यादा फील करती हैं मैं इंडिया तो गई नहीं हूँ मगर मैं पाकिस्तान से कंपेयर करके आपको बता सकती हूँ हम यहाँ ज्यादा सेफ फील करते हैं सलाती आप इनको बताना चाहें कुछ तो आप ऐड कर सकती हैं um, अगर आप सर्च करेंगे तो दुनिया में जो मुमालिक औरतों के लिए सबसे ज्यादा सेफ है उसमें इंडिया कौन से नंबर पे आता है दुनिया में जो पांच दस ममालिक जो औरतों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है उसमें जरूर आता हो इंडिया भी पाकिस्तान भी क्योंकि आ, आप देखें कि अब तो पहले तो टूरिस्ट खातन अकेले जाया करती थी बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितनी औरतें मुझे मिली हैं जो पहले जाके आ, इंडिया पाकिस्तान मोटर बाइक्स पे घूमा करती थी अब वो भी कहती हैं उन हालांकि वो अच्छी उम्र रसीदा खातन है आप वो कहते हैं कि हम नहीं जाना चाहते ऐसी जगहों पे क्योंकि हम कभी अपने बच्चों को वहां नहीं भेजना चाहते क्योंकि hmm. आप देखें कि टूरिस्ट खीन के साथ कितने ज्यादती के वाकयात हुए ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू कान आप जब तक एक चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वहां पे मसले हैं उसको एड्रेस नहीं करेंगे औरतों को लेके मुझे ये चीज चले ठीक है माना कि वो निर्भया केस में वो लड़के पकड़े गए उनको सजा वो जेल में थे कुछ ने आई थिंक वो सुसाइड अटेम्प कर ली एंड ऑल दैट मगर आप उसमें उन लड़कों की मेंटालिटी देखें उसमें देखें कि औरत को लेके आदमी इस तरह से एक वहशी का रूप क्यों ले लेता है मुझे ये समझ में नहीं आता आ, जैसे मालिच कह रही है मैं मैं भी बाहर के मुल्क में हूं मैं रात के दो बजे तीन बजे अकेली जा सकती हूँ यहाँ पे मुझे इस तरह का खौफ नहीं है कि मैं मुझे अपने भाई को लेके जाना है मुझे अपने बाप को लेके जाना है मैं अः अकेले निकलूंगी तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा इस तरह का खौफ नहीं है

कनाडा में अब क्या होता है कि अगर काफी दफा ऐसा होता है ना कि मियाँ बीवी के बीच में झगड़े चल रहे होते हैं तो मर्द बच्चे को उठा के ले जाए या औरत बच्चे को उठा के ले जाए तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे एम्बर अलर्ट आने शुरू हो जाते हैं हमारे फोन पे फॉरन अलर्ट आने शुरू होते हैं कि ये बच्ची कोडेप्ट किया गया है यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन हर जगह जारी होती है वही चीज रेडियो पे चलती है वही चीज टीवी पे चलती है विद इन मिनट्स विद इन मिनट्स बच्चे को ढूंढते हैं वो लोग अगर यू नो इट इज सो सो टेकन सीरियसली मैं ये नहीं कह रही कि नहीं हो रहे बच्चों के साथ यहाँ डीप वेब है उसके लिए हो रहे हैं लोग करते हैं मगर यहाँ की पुलिस और यहाँ के लॉज जो है ना दे आर बेटर देन अदर कंट्रीज और इसी uh, वजह से मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे भी एरियाज हैं जहाँ पे मैं रात को नहीं जाऊंगी और वो ज्यादातर आई एम सॉरी टू से वो चंद कालों के एरियाज हैं या जो है वो क्या कहते हैं देसीयों के एरियाज हैं गेटोज जिसे आप कहोगे वहां पे मगर मैं जहाँ रहती हूँ सन्नाटे वाली जगह मैं तीन बजे जाऊँ चार बजे जाऊँ रात को कुछ नहीं होना मेरे साथ प्रिकॉशन आप हमेशा लो अपने लिए और डोंट थिंक uh, यहाँ पे आप बच्चों के ऊपर इस तरह की फिल्में देख भी सकते हैं नहीं आप ऐसी किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे जो कि बच्चों से मुताल हो जो ज्यादती से मुताल हो जो एटलीस्ट uh, पे मैं हूँ और जो जानवरों से मुताल हो आपका आ, आप को न, ये पुलिस को नोटिफाई हो जाती है उनपे ट्रैकर्स लगे हुए हाँ। हैं आप पुलिस नोटिफाई हो जाती है आपको जेल भी हो सकती है आपके ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस भी वो प्लांट कर सकते हैं कि हाँ। तो वॉच एंड मॉनिटर यू आपका इंटरनेट वॉच होगा जो आ, हजरात इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस होते हैं हाँ। जो बच्चों से रिलेटेड होती है उनके ऊपर ट्रैकर लगे हुए होते हैं उनका इंटरनेट मॉनिटर होता है कि उन्होंने जरा भी इस तरह की कोई चीज सर्च की तो उनको दोबारा धर लिया जाता। पाकिस्तान की मैं मुझे इंडिया का नहीं पता। पाकिस्तान की आई गिव यू एन मैं एक बच्ची से मिली जो कि दो साल की थी जब उसके साथ ज्यादती की गई उसके बहनोई ने की थी मैं अक्सर ये वा, वाक्य सुना चुकी हूँ और वो जब मैं उस बच्ची से मिली उसकी उम्र चार साल थी उसकी एक आंख फोड़ दी थी उस मेरे गाली तो उसे बहुत पड़ी देनी चाहिए वो इंसान तो है नहीं उसने उसकी आंख फोड़ दी उसकी बाजू टांगे तोड़ दी और एक कैंची से उसके पूरे जिस्म पे कट हाउ सिक कैन यू बी पूरे जिस्म पे उसके कट के निशान थे एंड शी वाज लेफ्ट फॉर डेड उसके Uh, उस आदमी जो उस uh, uh, लड़की के बहनोई का भा, uh, भाई था उसने कहीं देखा उसने उसकी माँ को फोन किया वो आई उसने देखा शी took her to hospital वो बच गई किसी तरह से बची जिंदा बच गई उसके जब मैं मिली हूँ वो चार साल की बच्ची के جسم में दर्दें होती थी और उसके क्या पुलिस का प्रोसीजर था कि पुलिस ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवा के 25000 रुपए में उस बंदे को छोड़ दिया उसकी फैमिली पे प्रेशर डाला गया और वो बच्ची अम, उसके ट्रॉमा फॉर लाइफ वो बच्ची अग्रेसिव स्पीक वो बोल नहीं सकती थी वो आ, कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी और वो जब आ, दूसरे बच्चों के साथ होती थी तो वो उन्हें मारती पीटती थी और वो एक आप कह लें कि वो हो गई उसकी पूरी जिंदगी और कुरान था

मगर यहाँ पे वो हमें केसेस जो है ना आ, सुनने में आते हैं सीरियल किलर्स वगैरह हमको सुनने में आते हैं मगर दे आर नॉट लाइक पाकिस्तान में तो हर दूसरे तीसरे दिन हमें पता चल रहा है किसी को काट रहे हैं कुछ साइकोस हुए हैं वहां पर यू you नो know? और मैं आपको ये भी बात बताऊं सूर्या जी जैसे कि आपने यहाँ पर आके सबसे पहले आपने कहा कि मैं मानता हूं कि ये चीजें होती हैं मगर वेस्ट में ज्यादा होती है वेस्ट में अगर कोई चीज होगी ना किसी बच्चे के साथ तो वेस्ट वाला कभी ये नहीं कहेगा कि वो मानेगा कि हाँ हो रही है और गलत चीज है मगर वो ये नहीं कहेगा नहीं मगर देखो ना इंडिया में कितना हो रहा है ये ये आप लोगों की मर्दों की इस थिंकिंग को बदलना पड़ेगा आप लोग क्यों कंपेयर करते हो दूसरों से दूसरे के घर में गंदे तो आप क्यों वो कर रहे हो उसको आप करते हो ना और मर्दों को शय मिलती है फिर इससे कि नहीं नहीं देखो ना वेस्ट में तो ये हो रहा है तो हमने कर दिया तो कौन सी गलत बात है मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां पर गलत हो रहा है तो यहाँ पर भी गलत हो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे जी मैं ये कह रहा हूँ भले कहीं भी पूरी दुनिया पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कुछ गलत होता है जी तो उसके लिए सबको आवाज उठानी चाहिए आप भले आप हम लोगों को कुछ भी कहे एक्स वाई हेड हम लोग की गलती है एक्स वाई हेड तो हम लोग भी आवाज उठाते हैं मैं हूँ दलित जी मैं साहब बता रहा हूँ और मैं आगरा में रहता हूँ और यहाँ पर है दलितों की संख्या थर्टी परसेंट अच्छा पूरे आगरा में और हम लोगों को वो नहीं है डर है हम लोग जाते हैं हम लोग हमेशा देखते हैं हम लोगों ने अपनी फैमिली में देखा है आज तक कुछ भी वहाँ पर औरतों की चलती है मेरे मम्मी हो गई मेरी दादी हो गई मेरी बुआ हम लोगों के जब परिवार में जब थे तो वो जो दादाजी थे उनके पांच भाई थे उनके बच्चे हुए यानी कि पूरे इंडिया में फैले हुए हम लोग मुंबई भी जाते हैं गुजरात भी जाते हैं हर जगह फैली हुई है सब जगह शादी हुई और गांव हमारे हैं, वहां पर भी औरतों की चलती है आदमी कभी आज तक मैंने कभी देखा नहीं है कि घर किसी और पे हाथ उठाया गया मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो मैंने देखा भले काफी साइड होता है मैं उसको ढिराई नहीं कर रहा हूँ होता है उसके लिए आवाज उठती है अगर कोई अच्छा हाँ, नहीं, 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 नहीं। नहीं। नहीं अच्छा साफ पानी नहीं आता है राइट मगर अब आप मुझसे बात कर लो तो मेरी नानी के साइड पे जितने भी मर्द है उन्होंने कभी नहीं किसी ने हाथ नहीं उठाया मुसलमान तो वो भी है मगर मेरे बाप की साइड के लोग सारे कुत्ते की तरह पीटते थे औरतों को और उनको ये भी नहीं पता था कि कुरान में लिखा है औरत को पीटना वो कल्चरली पीटते थे बुरी तरीके से करते थे तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हर मर्द जो है बैठ कर आ, ऐसी हरकतें कर रहा है मगर ये चीजें हो रही हैं एंड इट इज नॉट सेफ एज जन एक औरत होने के नाते मैं आपको ये बता रही हूं मुझे इंडिया का नहीं पता कि भाई मैं इंडिया जाकर आऊ मे बी देन आई विल बी एबल टू टेल मगर यहाँ जो इंडियन औरतें हैं जिनसे मैं बात करती हूँ तो वो इंडिया नहीं जाके रहेंगी वो कहती हैं हम यहां ज्यादा सेफ फील करते हैं सो दैट्स ऑल सेकंडली आप ये देखें आप बात कर रहे हैं कि दूसरी जगह पे होती है सबके लिए आवाज उठानी चाहिए जब वहां पे जहाँ पे एटलीस्ट मैं हूँ वहां पे एक निज़ाम है उसको डील करने के लिए मैं कह रही हूं कि मैं अपने आप को सेफ फील करती हूँ अगर मुझे याद है एक बच्चे का इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे उस जो परपेट्रेटर था जो आदमी था जिसने बच्चे के साथ जागती की और उसको कत्ल किया उस बंदे की पुलिस ने फोटेज चलाई टीवी पे हर न्यूज में उस बंदे की शक्ल आई कि कोई भी इस बंदे को जानता है उसका हल्का सा वो इमेज था पासिंग बाय ना बिल्कुल वो क्लियर इमेज नहीं था उस बंदे के माँ बाप ने खुद पुलिस को फोन किया कि हा मुझे लगता है कि ये मेरा बेटा है उन्होंने ये फोन किया पुलिस के साथ उन्होंने कोऑपरेट किया पुलिस ने उसे कहा उन्हें कहा कि आप घर उसे बुलाए घर वो गया बंदा तो उन्होंने उस बंदे को अरेस्ट किया उसकी गाड़ी की जब तलाशी ली तो एक बच्चे की उसके अंदर से लाश मिली अब क्या होता है हमारे यहाँ फैमिली कल्चर जो है ना जो ऑनर कल्चर है वो आपको फैमिली के खिलाफ रिपोर्ट करने भी नहीं देता जैसे मैं पहले बात करी थी तो जो आप वाकयात बता रहे हैं कि आपके खानदान में इस तरह चलता है आपको आप आंखें बंद करके नहीं कह सकते कि हर घर में वही हो रहा होगा जो आपको नजर आ रहा है क्योंकि केसेस रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि मासी का घर है क्योंकि खाल, वो फुप्पो का घर है किसी का घर है तो वो घर नहीं टूटना चाहिए बहन वहां पे गई हुई है वो नहीं टूटना चाहिए ये बसी हुई है वहां नहीं वो घर टूट जाएगा तो इस करके यकीन मत नहीं और रेस्ट में जो रिपोर्ट मैं जानती हूँ यहाँ पर एक न्यूज बड़ी वायरल हुई थी कोई बंदी बाहर अपने घर के घास साफ कर काट रही थी तो एक बंदा आया उसने अपनी पेंट उतार दी और वहां पे वो अपना जॉनसन गोल गोल घुमा के उसको तो वो कैमरे में कैप्चर हो गया उसको पकड़ा गया और तीसरी बात ये कि पे जो ये बच्चों के साथ कोई कोई अगर ऐसी हरकत कर देता है तो इनकी जो यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई होती है उसको क्या कहते हैं यार आ, सेक्स ऑफेंडर लिस्ट वो yeah. इंटरनेट पे है आप देखो कि आपके एरिया में कितने सेक्स ऑफेंडर्स रह रहे हैं और यहाँ सेक्स ऑफेंडर्स यानी यहाँ पे कि हाथ भी लगा दो ना तो आप सेक्स ऑफेंडिंग में आ जाते हो फॉरन पनिशमेंट ज्यादा होनी चाहिए यहाँ पर आए आई बिलीव और अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने बच्चे के साथ ज्यादा की है और वो जेल चला जाता है ना तो उसको जेल में ही मार देते हैं लोग ही मार देते हैं उसको यहाँ पे फिर पे, केसेस में ही हुआ है ज्यादातर वो ये करते हैं कि वो इंसानिटी का क्लेम करके अगर वो किसी साइकाइट्रिक क्लिनिक में चले जाए तो बच जाएंगे मगर यहाँ पे भी यही है कि उनको दूसरे जो मुलजिम है वो चाहे उन्होंने कत्ल किया होगा चाहे जो कुछ मर्जी किया होगा मगर बच्चे के साथ ज्यादा को एक बहुत सीरियस इशू माना जाता है और वो नॉन निगोशियेबल होता है उनके लिए Hello, मैं, मैं ये कह रहा भले लेकिन वहाँ जो बच्चे उनकी वीडियो ऑनलाइन है मैं ये हाँ। आज तक मैंने इंडिया में किसी भी बच्ची की किसी भी तरह से मैंने कोई ऑनलाइन यानी कि जो चल रही है वो नहीं देखी है लेकिन वेस्ट के साइड में बहुत सी हजारों के टाइट बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज अच्छी है मैं ये कह, आपने ये कहा कि हाँ मैं मानता हूँ लड़ाई होती है घर में झगड़ा होता है लेकिन किसी माँ बाप यानी कि जो हस्बैंड वाइफ है उसमें झगड़ा होता है मैं मानता हूँ पर हाथ पैर की लड़ाई नहीं होती थी उसको मारो थोड़े दिन वो हो जाएगा फिर अपने आप क्योंकि मैंने भी देखा है मेरे घर में भी होता था पहले यानी कि जब मम्मी पापा थे मेरे तो थोड़ी बहुत हो जाती थी लड़ाई झगड़ा कि किसी बात से नहीं मान रहे हैं तो थोड़ी दिन दो चार दिन गया। फिर आपस में ये ये चल ये चीज चलती है हर चलता है हर जगह हमने आपसे कहा ना कि यहाँ पर है चाहे डार्क वेब के लिए है बच्चों को अगवा किया जाता है हाँ है ट्रैफिकिंग है ये चीज ठीक है ना उठा के लेके जाते हैं मगर इसपे काम हो रहा है यहाँ पे कितने केसेस हुए जहाँ पे बस किया गया जैसे कि आप अब देख सकते हो ना आप बैठ के अपने कंप्यूटर पे ये चीजें यहां हम नहीं देख सकते मैं वो वीडियो यहां नहीं चला सकती अपने इंटरनेट पे क्योंकि फॉरन जो है पुलिस को नोटिफिकेशन पता चल जाएगी कि मैं यहाँ पर वो छोटे बच्चे का मुझे एक दफा किसी ने एक बत... मेरे साथ तेरह साल की लड़की होगी उसकी तस्वीर भेज दी थी नंगी आई टू डिलीट इट है मुझे नहीं पता था क्या तस्वीर है मैंने खोल ली वो गलती से आपको यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना आप जहां पर हो वहां पर आप देख सकते हो मगर डार्क वेब पे तो बहुत कुछ हो रहा है डार्क वेब के लिए तो यानी देर इज सो मच स्टफ दैट इज हैपनिंग हम मानते हैं कि ये चीजें हो रही हैं, फिर भी एक औरत होने के नाते आई फील सेफर मैं यहाँ पे रात की कितने बजे भी बाहर निकलू मैं मगर एट द सेम टाइम मैं अपनी बेटी को कभी अकेले बाहर नहीं भेजूंगी आई एम मोर प्रोटेक्टिव ऑफ एड मैं अपनी बच्चियों कभी किसी के साथ नहीं छोड़ूंगी बहुत ही कम लोग हैं बेटे ही नहीं बेटे का भी मैं, मेरा बेटा हाँ। नौ साल का है वो उसको स्कूल छोड़ के आना मेरे शोहर की जिम्मेदारी है वो छोड़ के आता है जब वो घर आता है तो वो अपने दोस्तों के साथ वो तो वो अकेला आ सकता है अदरवाइज उसको हम इस तरह से नहीं करते कि वो बाहर अकेला खेलता रहे जब आप अकेला बच्चा क्रेडिटर्स के लिए सबसे ईजी टारगेट होता है अरे भाई मैंने वो जब बेली सेरियन वो कर रही थी ना तो उसमें एक यानी एक औरत आई है उसके सामने यहाँ पे यहाँ पे सामने अपने उस घर के वो बच्चा खेल रहा है यू? यू? उसको उठा के ले गए थे ऐसे यू you नो know, तो मैं अपनी बेटी सामने मेरे नेबर्स के पास जाती है, तो मैं खड़ी रहती हूँ जब तक वो अंदर जा नहीं रखती मैं उसको अपनी आंखों से उछल नहीं होने देती हूँ तो इसमें ऑब्वियसली हम लोगों को भी क्या ख्याल रखने की जरूरत है हम मानते हैं कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि यहाँ पे ये काम नहीं हो रहे हैं मगर फिर भी हमारे लिए यहाँ पर ये सेफ्टी है कि अगर हम बस में चढ़ रहे होंगे ना तो हमको पीछे से कोई हाथ नहीं लगाएगा ठीक है ना हम यहाँ बाहर निकल रहे होते हैं तो बहुत कम लोग होंगे जो आवाजें कसेंगे कि ओए देखो चमक चलो जा रही है ये करी तो इज लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर्क विद चले सूर्या जी मैं आगे चलती हूँ अभी बहुत सारे लोग आ गए आगे थैंक यू थैंक यू मैं आपने सही कहा लेकिन मैं एक बता दू ये मुझे जो वेबसाइट की मुझे पासवर्ड लिया था वो भी वेट्स कहा का था क्योंकि तो यहाँ पर भी बैन है यह यहाँ पर चाइल्ड पॉर्न बैन है यहाँ पर मुझे छह साल की जेल हो जाएगी अगर मैंने क्योंकि मेरा एक अकाउंट एक एक कुछ दिन पहले मैंने एक सेंड करने की कोशिश मेरा अकाउंट एक बैन हो गया मुझे तुरंत मैसेज आ गया था यहाँ पर टोटली totally हर तरह से बैन है चाइल्ड पॉर्न अच्छा नहीं होनी चाहिए बस ये थैंक यू धन्यवाद आप लोगों का बात करिए आप देखिए हाँ बा, बात ही बात सारी बात ये है कि हमको इस पे बात करनी चाहिए ताकि हम इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचाएं और लोग इसको सीखें और कोई हमारा ये नहीं है कि हम इंडिया को टारगेट कर रहे हैं या पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं नहीं ये चीजें हो रही हैं और भी मुल्कों में होती हैं मगर हमारी जबान उर्दू जो है वो इंडिया पाकिस्तान और चंदी मुल्कों में सुनी जाती है तो हम उन्हीं मुल्कों के बारे में बात करते हैं मैं चाइना के बारे में तो नहीं बात कर सकती ना बैठ के यहाँ पे तो ठीक है चले ठेक